नमस्कार दोस्तों, महाविद्याओं की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माँ मातंगी के बारे में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे पिछले वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। माँ मातंगी एक लाश पर बैठी है और उसके सारे कपड़े, उसके सारे गहने लाल हैं। वो गुंजा के बीज, जो एक छोटा जंगल का बीज होता है, उसकी माला पहनती है। वो 16 साल की है और उसके दोनों हाथों में, एक हाथ में खोपड़ी है और एक हाथ में तलवार। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मातंगेश्वर भगवान शिव का ही नाम है और उनकी शक्ति है मातंगी। इस तरह से देवी मातंगी माता पार्वती का ही रूप है। मातंगी देवी को प्रकृति की देवी, वाणी की देवी, कला की देवी और संगीत की देवी भी कहा जाता है। देवी केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, देवी मातंगी को जूठन का प्रसाद या लेफ्ट ओवर फूड का भोग अर्पित होता है। वर्शिपर्स प्रेजेंट हर विद देयर ओन हाईली पोल्यूटेड लेफ्ट ओवर फूड। इन वन केस अ डिवोटी ऑफर्ड अ क्लॉथ स्टेन्ड विद मेंस्ट्रुअल ब्लड। हिंदू धर्म में जहाँ मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन आर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, वहीं माँ मातंगी ऐसे रेस्ट्रिक्शंस की अवहेलना करती है। मातंगी प्रदूषण से तो जुड़ी ही जाती है। नेपाल की एक निचली जाति है पोरे, जिसमें सफाई कर्मी आते हैं, शौचालय की सफाई करने वाले आते हैं और मछुआरे आते हैं, क्योंकि ये लोग एक तरीके से प्रदूषण में रहते हैं और प्रदूषित या अशुद्ध चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और मैनेज करते हैं। हेंस शी इज ऑफन कॉल्ड एज द लो कास्ट गॉडेस। देवताओं के रूप में पत्थरों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। नेपाल के काठमांडू में एक ऐसा ही पत्थर है जिसे श्वासा कहते हैं या छपासा कहते हैं। ये पत्थर चौराहों में रखा जाता है और यहाँ सारी पोल्यूटेड चीज़ें, जैसे किसी जानवर की बलि देने के बाद उसका कटा हुआ सर या मृत्यु के बाद उस व्यक्ति द्वारा पहने गए कपड़े, ये सब यहाँ पे अर्पित होते हैं। इट इज़ बिलीव दैट दिस स्टोन कंज्यूम्स पोल्यूशन। और ये पत्थर और कोई नहीं, माँ मातंगी ही है। मातंगी को एक दूसरी देवी सवरेश्वरी से भी जाना जाता है। सवरस करके एक जनजाति है जो जंगलों में रहती है और उनका रहन सहन एक सभ्य समाज से बहुत परे है। इनकी देवी है सवरेश्वरी, जो पत्तों से बने वस्त्र पहनती है, जिसके झुमके बेले हैं, जो गुंजा के बीज की माला पहनती है। सवरेश्वरी इज ऑफन कॉल्ड एज द मिस्ट्रेस ऑफ फॉरेस्ट, जो जंगलों में रहती है, जो जंगलों को जानती है, जो जंगलों के जानवरों का ध्यान रखती है, जो जंगलों का आनंद लेती है और जिसे संगीत पसंद है, जैसे पक्षियों का चहचहाना, पत्तों का झूलना इत्यादि। सवरेश्वरी की ये विशेष बात माँ मातंगी की पहचान की पुष्टि करती है, इसलिए माँ मातंगी को जंगलों और आदिवासी संस्कृति से भी जोड़ा जाता है। हम सब जानते हैं कि महाविद्याओं की पूजा और साधना का एक तरीका है। उनका मंत्र का उच्चारण, उनके तंत्र की पूजा, चक्र की पूजा, सबका एक तरीका है। माँ मातंगी की साधना का भी एक तरीका है। सबसे पहले उसके मंत्र को 1,00,000 बार जप करके अब उसका अभिषेक होता है। शहद और घी को अग्नि में अर्पित करते हैं, उस वक्त मंत्र का 1,000 बार जप होता है। तर्पण करते वक्त 100 बार जप होता है। 10 बार जल छिड़कते हैं, उस वक्त भी मंत्र का जाप होता है और अंत में 10 ब्राह्मणों को भोजन खिलाना होता है। इस तरह यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये माना जाता है कि जो 1,00,000 बार माँ मातंगी के मंत्र का पाठ करे तो उसके पास अपार धन होता है, उसकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं, वो सारे दुष्ट आत्माओं से मुक्त हो जाता है और वो खुद देवता की तरह बन सकता है। तो ये था माँ मातंगी के बारे में। अगले वीडियो में, जो इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा, उसमें हम बात करने वाले हैं देवी कमला के बारे में, द लोटस गॉडेस। तब तक बने रहें और इस सीरीज को अंत तक देखें। धन्यवाद।